देश की राजनीति की यह रवायत रही है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई बड़ा मुद्दा होता है तो इंसाफ से पहले उस पर राजनीति होती है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के बड़े मुद्दे और उनका इन चुनावों पर असर देखते हैं। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिहाज से संदेश खाली का मुद्दा इन दिनों सियासी धुरी पर तेजी से घूम रहा है। यहां महिलाओं ने सरकारी संरक्षण में सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए थे। पहले बोलती थी, आपकी बात कोई नहीं सुनता। हाँ, हम लोग बोलते थे लेकिन कोई सुनता नहीं था। यहाँ पर हम क्या क्या बोले, यहाँ पर हमारी दुकानें थी, जबरदस्ती दुकान तोड़ दी गई। बोलता था कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। शिबू ही सब करता था, वो क्या काम कर रहा है हर कोई जानता है। कब्जा कर लिया। हाँ, सब कब्जा, सब नहीं है। पर आप लोग भी तृणमूल समर्थक ही है? हाँ हाँ, हमारा तृणमूल ही समर्थन, सब मानुष ही एखाने ग्रामेर मानुष तृणमूल समर्थन। आपको चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार? आतंक भीतरे तो आछी, चेहरा दिखाते पाछी ना। वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे, हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यही खाना बनाओ और खाओ। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में। बकवास किया करते थे, बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा, और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी बंगाल गए तो उनके और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच महिला सुरक्षा का मुद्दा आरोप प्रत्यारोप के रूप में सामने आया। संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। नाबालिका के खून करे, তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মনগড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के निर्णयों को भी गिनाया। करण और तोला बाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। संकट के समय बहने आसानी से शिकायत कर सके, इसके लिए महिला हेल्पलाइन बनाई गई है।
बंगाल की लड़ाई में महिला सुरक्षा क्यों मुख्य मुद्दा बन चुका है, उसके पीछे महिलाओं की बड़ी वोट शक्ति है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या 3.73 करोड़ है, जो पुरुष मतदाताओं से सिर्फ 15 लाख कम है। 2019 में महिला सुरक्षा और कानून बीजेपी का मुख्य एजेंडा था। इस चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पुरुषों से अधिक मतदान किया। पुरुषों के 81.35% वोटों के सामने महिलाओं का वोट प्रतिशत 81.79% रहा। नतीजा टीएमसी के लिए आंखें खोल देने वाला रहा। बीजेपी ने 18 सीटें जीती, जो टीएमसी के 22 के सामने सिर्फ 4 कम थी। महिला सुरक्षा मुद्दे को प्रमुखता से आगे बढ़ाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इन चुनावों में बीजेपी ने महिला सुरक्षा के लिए मोदी की गारंटी का दांव भी चला। नतीजा ये हुआ कि महिला वोटर्स ने बम्पर वोटिंग की और बीजेपी ने तीनों राज्य जीते। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मैं देश में कहीं भी बेटियों के साथ हो रहे अन्याय को देखता हूं, उसके बारे में सुनता हूं। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने बेटियों से अन्याय की परंपरा ही बना दी है। यहां बाड़मेर में दलित महिला से दुष्कर्म कर उस पर एसिड डाल दिया जाता है। सूरतगढ़ में महिला की हत्या कर शव रोड पर फेंक दिया जाता है। आज राजस्थान की माताएं, बहनें, बेटियां कह रही है भाजपा को लाना ही है, उनको भरोसा है भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी मोदी योगी की जोड़ी ने कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को सबसे ऊपर रखा था। हर रैली में महिला सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा उठाया। महिलाओं ने इस चुनाव में भी जमकर वोटिंग की और बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर यूपी की सत्ता में लौटी। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि घर के पुरुष जहां कहेंगे वहां घर की महिलाएं वोट डालेंगी, लेकिन धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण का ही एक नमूना समझिए कि महिला अपने आप में एक सशक्त वोट बैंक हो गए। यानी घर के पुरुष के अनुसार नहीं, बल्कि महिलाएं अपने मन के अनुसार वोट करने लगी। महिलाएं मतदान चुपचाप करती हैं, लेकिन सरकारें पलट भी सकती हैं और दोबारा भी बनवा सकती हैं। पिछले 5 वर्षों में 23 राज्यों में चुनाव हुए। इनमें 18 राज्य ऐसे थे जिनमें महिला वोटर्स की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक थी। इन 18 में से 10 राज्यों की सरकारें रिपीट हुई। आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलते हुए किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं ने समय के साथ अपने वोट की ताकत को समझा और इस्तेमाल करना भी शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ वोट करना जरूरी समझा, बल्कि किसे वोट करना है इस पर अधिक ध्यान दिया और वो घर के अन्य पुरुषों से अलग अपनी पसंद के प्रत्याशियों को वोट देने लगे। इस तरह महिलाओं का वोटिंग पैटर्न साल दर साल बदलता चला गया। तमाम पार्टियां जो सरकार में हैं अलग अलग राज्यों में, वो ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लेके आ रही हैं महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को राजनीति में रुचि होने लगी है। उन्हें लगता है कि हाँ, राजनीतिक पार्टियां या सरकारें उनका ध्यान रख रही हैं, और इसी वजह से जिस भी पार्टी की सरकार होती है और अगर वो सरकार महिलाओं से संबंधित कोई योजनाएं लेके आती हैं, महिलाओं को लगता है कि उनको उसका फायदा मिल रहा है, तो महिलाओं का वोट उस पार्टी की ओर जा रहा है।